बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर पर स्थित है मुंगेर। मुंगेर में यूं तो कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं, जिसमें एक है मीर कासिम का किला। मुंगेर किला परिसर को स्वतंत्रता संग्राम के दशकों पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अनेक दिलेर एवं देशभक्ति से लबालब मुगल शासकों द्वारा लिए गए शरण स्थल के रूप में जाना जाता है, परंतु अंग्रेजों के साथ उनके अद्भुत शौर्य के चिन्ह आज भी वर्तमान हैं। साथ ही दुनिया के सूफी संतों के मुंगेर आगमन की कहानियां भी गजेटियर में लिपिबद्ध है। इसी रॉय चौधरी के अनुसार बादशाह अकबर जब अफगानों के विद्रोह कुचलने के लिए बिहार और बंगाल तक पीछा किया तो उसके साथ एक शाह मुस्तफ़ा सूफी भी चल रहे थे। मुस्तफ़ा ने अपनी अलौकिक देवी शक्तियों के कारण युद्ध में रत बादशाह से अपने आप को अलग कर लिया और गृहस्थ जीवन को त्याग संत बन गए। वे उस समय से फकीरी जीवन बिताने लगे। इसकी सूचना पाते ही शाह मुस्तफ़ा एक अन्य महान सूफी संत आरफिन से रूबरू इसी मुंगेर किले में हुए। मुंगेर किले का निर्माण कब हुआ और किसने किया यह अभी तक ठीक ठीक नहीं पता चल पाया है, लेकिन पश्चिमी इतिहासकार और पर्यटक डॉक्टर बुचनन के अनुसार मुंगेर किला का निर्माण एक हिंदू बादशाह जरासंध के द्वारा किया गया। बिहार के धरोहर कृष्णफा साहब बाबा के मज़ार पे भक्तों का हर शुक्रवार को भक्तों का तांता लगा रहता है और इनका बखान जितना किया जाए वो कम है, इसलिए कि इनके दर पे जो भी आते हैं उनकी मनोकामना बहुत ही ढंग से तुरंत पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी होती है तब भक्त जब चादर चढ़ाने आते हैं तो वो तांता देखने के लायक होता है और भक्तों का तांता देखने के लायक होता है और अगरबत्ती और मोमबत्ती का जो बहार होता है जलाने का वो देखने लायक होता है। और मैं कामना करता हूँ भगवान से कि कृष्णफा साहब बाबा के मज़ार पे दोनों भक्त हिंदू मुसलमान एकता का जो नमूना पेश करते हैं दोनों भक्तों का तांता लगा रहे, मैं यही कामना करता हूँ। यह भी कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर प्रिंस टालियल ने अपने मुंगेर भ्रमण में किले के खंडहरों की मरम्मति का आदेश देते समय प्राचीर के एक कोने में उपस्थित बड़े सूफी फकीर की मजार का जीर्णोद्धार भी कराया। इस किले के तीन द्वार हैं, पूरब, दक्षिण और उत्तर। इसके पश्चिम गंगा नदी बहती है, शेष तीनों ओर से खाइयां बनी हुई हैं जिनमें गंगा का पानी बराबर बना रहता है। यह इसलिए किया गया था कि दुश्मनों के आक्रमण से किले की रक्षा की जा सके। सन 1848 में मुंगेर भ्रमण पर आए पर्यटक सर जोसेफ हुकर के अनुसार पश्चिम में गंगा नदी और शेष तीन ओर बनी गहरी खाइयां मुंगेर किले की प्रतिरक्षा का काम कर रही थी। यह किला वर्ष 1934 के प्रलयंकारी भूकंप में बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। किले के मुख्य द्वार पर ऊंचे टावर बने थे जिसमें एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। घड़ी सहित अश्वखूर की आकृति का आकर्षक टावर वास्तुकला प्रेमी विदेशी कमांडर हार्सल डियर के द्वारा मरम्मत कराया गया। वह टावर घड़ी समेत ध्वस्त हो गया। इसकी मरम्मति 2008 में एक जिला पदाधिकारी के द्वारा कराई गई और नई घड़ी लगाई गई। इस घड़ी के बंद होने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीर कासिम बंगाल से मुंगेर आकर यहाँ अपनी राजधानी बनाए और मुंगेर किला के अंदर ही 2 वर्षों तक अपना आवास रखा। कहा जाता है कि किला परिसर के उत्तरी दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर अपना कार्यालय हेतु भवन का निर्माण किया। वह स्थल कर्णचौड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, जहां एक शिला पर बैठकर राजा कर्ण प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक मन सोना दान किया करते थे। मीर कासिम ने अंग्रेज द्वारा मुंगेर पर आक्रमण किए जाने पर बड़ी मुस्तैदी से मुकाबला किया। यह किला अंग्रेजी सेना को कई दिनों तक अंदर प्रवेश करने से सुरक्षा कवच के रूप में काम करता रहा। अंत में अंग्रेजी सेना के किले के अंदर प्रवेश के पश्चात मीर कासिम ने पूर्व में ही गंगा नदी के अंदर ही अंदर बनाए हुए सुरंग होकर बक्सर भाग निकला और अपनी जान की रक्षा की। Thank you.
आज की तारीख में मुंगेर का किला भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों का एक अंग बन गया है। इसकी दीवारों और उसके अन्य वास्तुकला प्राचीन कालीन हिंदू और मुस्लिम कला संस्कृति की एक विख्यात धरोहर बन गई है। इस धरोहर को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में रख लिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके प्राचीन स्वरूप और आकृति को क्षति पहुंचाने का प्रयास न करे। देश का सबसे ख्याति प्राप्त बंदूक कारखाना भी इसी किला क्षेत्र के अंतर्गत गुप्तचर विभाग के देखरेख में संचालित हो रहा है। गर्म जल का यह झरना सीतामढ़ी मुंगेर शहर से 6 किलोमीटर पूर्व एक सपाट मैदान में अवस्थित है। यह स्थल एक महान पर्यटन स्थल के रूप में देश के पर्यटन नक्शे पर आज विराजमान हो गया है। माँ सीता महाकाव्य रामायण की पात्र रही हैं। बिहार गजेटियर के लेखक पीसी रॉय चौधरी के अनुसार लंका दहन के पश्चात भगवान राम माँ सीता के साथ अयोध्या वापस लौटते समय मुंगेर में इसी स्थल पर विश्राम की और माँ सीता की अग्नि परीक्षा भी उन्होंने ली थी। किंवदंतियों के अनुसार माँ सीता अग्निकुंड में कूदने के पश्चात भी सकुशल जीवित बाहर निकल आई तो वहाँ एक छोटे से कुंड के शीतल जल में स्नान कर अपने शरीर के ताप को विसर्जित किया। कहा जाता है उसी समय से उस कुंड का जल गर्म हो गया, जो आज भी उसी रूप में मौजूद है। यह कुंड लगभग 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बना हुआ है। इसके जल का तापमान 134 से 136 डिग्री बराबर बना रहता है। यूरोप के पर्यटक जोसेफ फूकर ने 13 अप्रैल 1948 ईस्वी को मुंगेर का भ्रमण किया था। उसने सीता कुंड के गर्म झरने के जल का तापमान 104 डिग्री पाया। फिर 1890 में कर्नल वाडल ने अपनी यात्रा वर्णन में लिखा है कि वहां के पंडों ने उन्हें बताया कि पिछले 40 वर्षों तक कुंड का पानी का तापमान कभी भी कम नहीं हुआ। अभी जो हम जहां पर खड़ा है ये जगह माँ सीता का कुंड है। इसमें गर्म जल हजारों साल से प्रवाहित होते आ रही है, युग युगांतर से प्रवाहित होते आ रही है। ये जल आज इतना गर्म है कि अगर कोई साधारण मनुष्य इसमें कूद जाए तो उसकी जान चली जाएगी। ये कुंड कोई मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक कुंड है। मराठा राजाओं के आने और कुंड के पानी निकालने के पश्चात यह कुंड एकाएक शीतल हो गया था। इसे हुकर ने एक दैवी करिश्मा बताया है, जो उसके कुछ ही दिनों के बाद कुंड का पानी का तापमान पूर्व की भांति ऊंचा चला आया। कुंड आज भी उसी अवस्था में वर्तमान है, जिसका जल एक छोटे से नहर से बाहर निकाला जाता है, जहाँ नर नारी स्नान करते हैं और डुबकियाँ लगाकर संतोष प्राप्त करते हैं। सीता कुंड के पास भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम पर भी अलग अलग कुंड बने हुए हैं, जो प्रायः उपेक्षित पड़े हैं।
राज्य के मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय में अवस्थित बिहार योग विद्यालय एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन गया है, जहां लोग रोज रोज की दौड़ धूप के बीच नैसर्गिक जीवन जीने की कला सीख कर जीवन की सार्थकता को सहज रूप में समझते हैं। इस योग विद्यालय की स्थापना मुंगेर में 19 जनवरी 1964 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा एक छोटे से सुनसान स्थल पर गोयनका शिव मंदिर के पार्श्व में की गई। सत्यानंद जी इसके एक वर्ष पूर्व सन 1963 में मुंगेर आए थे। उन्होंने ऋषिकेश स्थित स्वामी शिवानंद सरस्वती के आश्रम में दीक्षा ग्रहण की। शिवानंद आश्रम में सत्यानंद जी धर्मेंद्र सिंह नयाल के रूप में एक प्रशिक्षु थे। उन्होंने योग विद्यालय की स्थापना मुंगेर में करने के पश्चात योग दर्शन के प्रसार और प्रचार में लग गए। उन्होंने मुंगेर में योग शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इस काम के लिए भेजना प्रारंभ कर दिया। पेशे से योगा शिक्षक हूँ और मैं इस क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से बिहार और इंडिया के तमाम जगहों पर योग का प्रशिक्षण देने का कार्य किया हूँ और साथ ही साथ हमारे जीवन का मूल लक्ष्य सुबह की शुरुआत से योग से प्रारंभ होता है और योग हमारे जीवन को एक विचित्र टाइप का बदलाव दिया है, जो कि मैं यह कह सकता हूँ योग एक ऐसी विधा है जो करो तो जानो। बिहार योग विद्यालय आज देश विदेश से आने वाले इच्छुक व्यक्तियों को प्रति माह योग शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही योग से मनुष्य के जीवन में स्वच्छता, आरोग्य और भगवत चिंतन की ओर प्रेरित करता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल कर्ण चौड़ा पर आज बिहार योग विद्यालय अवस्थित है। इस कर्ण चौड़ा पर बैठकर कभी राजा कर्ण ब्राह्मणों को माँ चंडी से प्राप्त एक मन स्वर्ण का दान प्रतिदिन किया करते थे। अब उस स्थल पर एक विशाल आधुनिक एवं आकर्षक वस्तुकलाओं से आवृत योग महल खड़ा है, जो योगाश्रम के रूप में परिणत हो गया है। यहाँ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रतिवर्ष नियमित रूप से भिन्न भिन्न सत्रों में संचालित किया जाता है। स्वामी सत्यानंद जी तो नहीं रहे, किंतु स्वामी निर्जनानंद सरस्वती के सबल कंधों पर इसका पूर्ण दायित्व आ पड़ रहा है। विद्यालय का प्रबंधन स्वामी शंकरानंद जी के हाथों सुपुर्द है। अभी अभी हाल में बिहार योग विद्यालय ने सन 2013 में 9 से 13 अक्टूबर तक विशाल विश्व योग सम्मेलन का आयोजन स्थानीय पोलो मैदान में किया, जिसमें देश विदेश से लगभग 20,000 प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं लाखों नर नारियों ने इस अवसर का लाभ उठाया। आयोजन का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वचनों से किया गया। इस सम्मेलन में योग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चिंतन एवं विमर्श किया गया, जिसकी अनुभूति एवं स्मृति वर्षों वर्ष तक कायम रहेगी। उस अवसर पर सचमुच मुंगेर एक विशाल योग नगरी के रूप में परिवर्तित हो गया था। मुंगेर का ऐतिहासिक महत्व आज से हजारों वर्ष पूर्व इतना अधिक रहा कि दुनिया के भिन्न भिन्न कोने में रहने वाले सूफी संतों की नज़र मुंगेर पर पड़ी। उदाहरण स्वरूप, एक महान सूफी संत का आगमन सन 1176-77 के आसपास फारस से भारत आने का प्रमाण मिलता है। बिहार गजेटियर के लेखक पीसी रॉय चौधरी के अनुसार वह सूफी संत अजमेर आकर कुछ दिन तक रुके और स्वतः प्रेरणावश गृहस्थ जीवन त्याग कर उन्होंने मुंगेर की राह पकड़ ली और मुंगेर किले के दक्षिणी द्वार के सटे एक कोने पर सदियों पूर्व से बने ऊंचे पत्थर के टीले पर अपना आसन जमा लिया, जिनका निधन सन 1177 में वही हो गया और वह उसी स्थान पर दफना दिए गए। उस समय से आज 837 वर्ष हो रहे हैं।
दुनिया के नामी गिरामी इतिहासकारों जैसे डॉक्टर बुचनन आदि ने अकथ खोजबीन के पश्चात उक्त सूफी फकीर का नाम का पता अभी तक नहीं चल सका है। पीसी राय चौधरी इतना ही लिखते हैं कि वह फकीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निर्देश पर ही मुंगेर आया था। उस समय मुसलमानों के अति चर्चित धर्म प्रचारक चिश्ती का व्यापक प्रभाव समाज के हरेक वर्ग पर था, जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज याद किया जा रहा है। पीसी राय चौधरी के अनुसार शरीर त्याग करने के पश्चात उक्त सूफी फकीर के दैहिक आवरण को मुंगेर किला के दक्षिणी द्वार के पास ही एक अंधकारपूर्वक उपेक्षित जगह में दफना दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके 300 वर्ष तक संत अंधकारमय साये में रहे। 1497 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त बिहार के गवर्नर प्रिंस डानियाल ने जब मुंगेर भ्रमण किया तो उस उपेक्षित मजार का जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया, क्योंकि उसे स्वप्न में ऐसा करने का निर्देश मिला था। प्रिंस डानियाल ने स्वयं अपनी उपस्थिति में उस मजार पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी मौजूद है। उसी दिन से उस स्थान को पवित्र दरगाह का दर्जा मिल गया। फारसी में नफा का शब्दार्थ कस्तूरी का स्रोत होता है। वास्तव में 837 वर्षों के बाद भी पीर नफा साहब का वह दरगाह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबों के लिए एक महान तीर्थस्थल बन गया है। प्रति गुरुवार और शुक्रवार संध्या होते ही सभी धर्मावलंबियों की भीड़ उस दरगाह की ओर बढ़ती चली जाती है और पीर साहब के मजार पर अपना सर टेक सभी घर वापस लौटते हैं। अंगिका साहित्य में भी मुंगेर अग्रणी रहा है। आज भागलपुर विश्वविद्यालय से अंगिका विषय में पढ़ाई हो रही है। अंगिका में रामायण भी लिखा जा चुका है। भूले गए बधे सके नाम तदिये लगल मीठी ले सके गाड़ी स्वाद सराही बरात कहे बड़ मीठा लगे मीठी लानी के गाड़ी स्वाद सराही बरात कहे बड़ मीठा लगे मीठी लानी के गाड़ी पूरी कचौड़ी सोहारी चपाती जलेबी भिया बर्फी गुल जामुन मखन दूध मलाई खुआ गुल कंद सुस्वाद बड़ी मन भावन मुदक खीर गजा बलू साही अमाल पुआ हलुआ रुचिकारी मोदक खीर गजा बालू साही अमाल पुआ हलुआ रुचिकारी स्वाद सराही बरात कहे बड़ मीठ लगे मीठी लानी के गाड़ी। मुंगेर का चंडी स्थान देश के 72 शक्तिपीठों में अपना एक अनूठा पहचान रखता है। पौराणिक गाथा वेद पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपने पिता के द्वारा पति भगवान शंकर के विरुद्ध किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर अग्निकुंड में जल भरे। भगवान शिव क्रोधाग्नि से प्रकंपित होकर सती के शव को अपने कंधे पर रखकर समस्त ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। सारी पृथ्वी कांपने लगी, देवलोक में हाहाकार मच गया। तब देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और भगवान शंकर के कंधे पर विराजमान सती के शरीर को एक एक कर विखंडित कर दिया। कहा जाता है कि सती के अंग का भाग जिन जिन स्थानों पर गिरा वे शक्तिपीठ के रूप में परिणित हो गए। गंगा के उत्तरी तट पर एक पहाड़ी नुमा निर्जन स्थान जहाँ सती का नेत्र गिरा था, जो धरती पर आते ही पाषाण बन गया।
यह स्थान चंडी स्थान के रूप में युगों से पूजित और सम्मानित किया जा रहा है। यह चंडी स्थान महाभारत के राजा कर्ण का प्रमुख साधना स्थल बना, जहां वह प्रतिदिन सायंकाल गंगा के पवित्र जल में स्नान कर मंदिर के निकट घी के खौलते हुए कड़ाह में कूद जाते और पुनः सकुशल जीवित निकल आने पर वहां एक मन स्वर्ण देवी से प्राप्त हो जाता था, जिसे वे किला परिसर के अंदर कर्ण चौड़ा के चबूतरे पर बैठकर ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। माँ की महिमा इतना ही अगम अपार है कि लाखों श्रद्धालु नवरात्रा में यहाँ आते और माँ कुछ न कुछ सबको देती हैं। शक्तिपीठ से जुटी हुई हैं और बायां नेत्र का ही मेन यहाँ माँ का पूजा है। साहित्य के क्षेत्र में भी मुंगेर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मुंगेर की धरती ने अनेक साहित्यकार दिया, जहाँ अनेक देवी देवताओं के साथ परम शांति का अनुभव होता है और इस स्थान पर आकर मानो मैं अभिभूत हो गया हूँ। और मैंने यहीं से कहा था, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, कर रहा हूँ प्रार्थना मैं अग्नि की, ऋत्विक पुरोहित की कर रहा हूँ प्रार्थना, मैं यज्ञ की, अधिदेव की, धन देव की, अतिपूत की, देवता हूतक तथा सुरदूत की। तो मैंने अपनी काव्य की यात्रा का काव्यानुवाद यहीं से प्रारंभ किया था। मैं इस स्थान पर हूँ और यह स्थान धन्य है। गंगा जमनी शहर, गंगा का शहर, गंगा के तट का शहर, जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है और जहाँ एक और पहाड़ है जहाँ से श्रृंग ऋषि ने अपनी तपस्या पूरी की थी, जहाँ श्रृंग ऋषि ने अपने तपोबल से इस स्थान का नाम मुद्गलपुर दिया था, मैं उस स्थान पर बैठा। यह स्थान अपने आदिकाल से बहुत ही समुन्नत रहा है। आज भी प्रतिवर्ष देश एवं विदेश के विभिन्न कोनों से दुर्गा पूजा नवरात्र के अवसर पर तांत्रिक यहां आकर अपनी तंत्र साधना करते हैं। बिहार गजेटियर के लेखक श्री ऋषि राय चौधरी का कहना है कि देवी के प्रति तांत्रिकों की बढ़ती हुई आस्था इस बात का साक्षी है कि यह देवस्थल अत्यंत जागृत है। नित्य प्रति नर नारी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती चंडी का दर्शन एवं पूजा अर्चन कर अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। कहा जाता है आज तक किसी भी भक्त को यहाँ से निराश नहीं होना पड़ा। इसके अतिरिक्त देवी के नेत्र के निकट निरंतर प्रज्वलित दीप से उत्पन्न काजल का उपयोग नेत्र रोग से पीड़ित लोगों के लिए महाऔषधि का काम करता है। चंदन सी पावन है ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है ये बिहार है जिसकी माटी चंदन सी पावन है, ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन।